क्या प्रावधान किए गए इसके द्वारा? पहली बात क्या कहेंगे इसमें? विधायी प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल करने का प्रावधान आरंभ किया गया। अभी तक जो कानून बन रहा था वो कानून वायसराय के निर्देशन में उसकी कार्यकारी परिषद के द्वारा बनाया जाता था, जिसमें ब्रिटिश लोग भी शामिल होते थे। ये पहला कानून था भारत परिषद अधिनियम 1866, जिसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया। और कल मैं आपको बता रहा था कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग जो उसमें वायसराय हुआ करता था, उसने अपनी परिषद में 3 भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में शामिल किया था। कौन 3 भारतीय थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ये 3 भारतीय थे जिन्हें विधि निर्माण की प्रक्रिया में पहली बार शामिल किया गया। इस परिषद के द्वारा जो अगला प्रावधान किया गया था वो क्या था? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्ति का विकेंद्रीकरण। 1773 के एक्ट के द्वारा क्या शुरू किया था? केंद्रीकरण। कैसे? बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया और मद्रास और बंबई के गवर्नरों को उसके अधीन कर दिया गया। इसके पहले क्या व्यवस्था थी? तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर जो थे तीनों को समान शक्ति दी गई थी। पहली बार शक्ति एक जगह केंद्रित की गई और वो कहां पर? बंगाल के गवर्नर जनरल में। इसका मतलब शक्ति का केंद्रीकरण किया गया या इसके द्वारा किया गया। और इसकी चरम परिणत कहां दिखाई दी? 1833 के चार्टर एक्ट में, जब बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल, मतलब पूरे भारत के संबंध में शक्ति एक जगह लाई गई किसके द्वारा? चार्टर एक्ट 1833। इस व्यवस्था को पलट दिया गया भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। इसके द्वारा क्या किया गया? विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को समझ ना, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। शक्ति को एक जगह लाके कर देना क्या है? सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। और शक्ति को कई लोगों में बांट देना डिसेंट्रलाइजेशन है, विकेंद्रीकरण। तो इसके द्वारा फिर से डिसेंट्रलाइजेशन शुरू किया गया, क्योंकि मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायी शक्ति उन्हें वापस कर दी गई, इसे छीन ली गई, उन्हें फिर से वापस दे दी गई। इसके द्वारा जो अगला काम किया गया था भारत परिषद अधिनियम, पोर्टफोलियो सिस्टम, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का आरंभ। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था से क्या मतलब? विभिन्न विभागों का प्रभार अलग अलग व्यक्तियों को दिया गया। इसके पहले क्या होता था? सब वायसराय के पास, सब गवर्नर जनरल के पास होता था। इस कानून ने क्या किया कि विभाग अलग अलग व्यक्तियों के पास, शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग, कृषि विभाग, विदेश विभाग, वित्त विभाग, अलग अलग व्यक्ति। इसे क्या कहा गया? इसी को पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता है, इसी को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इस कानून का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
किसको दी गई थी? वायसराय। क्या थी शक्ति? अध्यादेश जारी करने की शक्ति से क्या मतलब था? ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस से क्या मतलब? ये कैसी शक्ति है? और आप जानते हैं कि इस ये पावर वर्तमान संविधान में अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को दी गई है, प्रेसिडेंट को, 123 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। सवाल भी आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति या अनुच्छेद 123 का प्रावधान कहां से लिया गया? अगर देश पूछा जाए, इस कानून को किसने से बनाया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट से। ब्रिटेन में हो जाएगा। एक्ट पूछा जाए, एक्ट कौन हो जाएगा? 1861 का। ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती क्या है जो राष्ट्रपति को दी गई है या यहां पर वायसराय को दी गई है? वर्तमान में समझे राष्ट्रपति क्या है, उसी से कोरिलेट करिएगा कि वायसराय के पास क्या है। कानून बनाने की पावर किसके पास है? संसद, पार्लियामेंट के पास। विधानमंडल कहा जाता है, उसे विधायक का व्यवस्था करता है। क्या पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, हमेशा कानून बनाने के अधिकृत होती है? कभी भी कानून बना सकती है? नहीं। संविधान के द्वारा लिमिटेशन है। संविधान के द्वारा एक निश्चित अवधि तय की गई है कि इन्हीं अवधियों में पार्लियामेंट कानून बनाए। और क्या है, उसे तीन सत्रों के रूप में हम लोग जानते हैं। किसी भी वर्ष का पहला सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र। पहले तो बजट सत्र का टाइम जो था वो फरवरी की तीसरे सप्ताह से मई के तीसरे सप्ताह तक था, लेकिन एनडीए की गवर्नमेंट ने इसमें परिवर्तन किया। उसने क्या कर दिया, जनवरी से लेकर मई तक की अवधि को उसने बजट सत्र घोषित कर दिया। जनवरी से आरंभ होता है और मई के तीसरे सप्ताह के बीच रहता है। इस समय किसी भी समय राष्ट्रपति पार्लियामेंट को सेशन को बुला सकता है। इसी अवधि के बीच संसद देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कानून को बना सकती है, 1 जनवरी से लेकर मई के अंतिम सप्ताह तक। दूसरा सेशन जो होता है, जो जिसे मानसून सत्र कहा जाता है या वर्षाकालीन सत्र कहा जाता है, इसकी अवधि क्या है? जुलाई के तीसरे सप्ताह से अगस्त के तीसरे सप्ताह तक। अगला सत्र कौन सा है? शीतकालीन सत्र, नवंबर के तीसरे सप्ताह से दिसंबर के तीसरे सप्ताह। इन्हीं स्थितियों में, इन्हीं अवधियों में संसद कानून बना सकती है। अब आप देख रहे हैं, दो सत्रों के बीच अवकाश है, दो सत्रों के बीच जगह है, मई के तीसरे सप्ताह से लेकर जुलाई के तीसरे सप्ताह के बीच, या अगस्त के तीसरे सप्ताह से लेकर नवंबर के तीसरे सप्ताह के बीच। बहुत कुछ मुमकिन है कि देश को इन अवधियों में अगर कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए तो फिर कैसे काम चलेगा? संसद नहीं बना सकती, संवैधानिक प्रावधान राष्ट्रपति, संविधान के द्वारा व्यवस्था की गई है कि संसद देश की व्यवस्था को समुचित ढंग से चलाने के लिए इन्हीं अवधि में कोई कानून बना सकती है, और इन्हीं कानूनों के माध्यम से इन्हीं पॉलिसीज के माध्यम क्या करते हैं, विकास करते हैं। हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। मान लीजिए किसी समय देश को कानून की जरूरत पड़ी, जब संसद सेशन में नहीं है, न तो बजट सत्र है, न मानसून सत्र चल रहा है, और न ही शीर्ष सत्र चल रहा है, तो फिर कैसे देश का काम चलेगा? इस मुद्दे पर संविधान सभा के सदस्यों ने बड़ी समझदारी का काम किया था, बड़े सूझबूझ से, कि किसी भी स्थिति में देश किसी कानून की अनुपस्थिति में उसे नुकसान न उठाना पड़े। उन्होंने क्या व्यवस्था कर दी कि अगर पार्लियामेंट अपने सेशन में नहीं है, संसद अपने सेशन में नहीं है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके उस कानून की भरपाई कर ले। राष्ट्रपति ये पावर देता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 123, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। हाँ, लेकिन इसका लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन इसका यह है कि इस कानून की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? सवाल एक बार फिर से सुनिए, 6 माह।
6 सप्ताह, इसको मोटी मोटा आप कहते हैं 7.5 माह, कह सकते हैं नहीं कह सकते हो सकता है ना। सवाल एक पूछा था तो उसमें 6 माह 6 सप्ताह नहीं दिया गया था, एक विकल्प में 7.5 माह तो लगभग। इस समय के बाद ये ऑर्डिनेंस क्या होगा, निष्प्रभावी हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और संसद जब कानून बना देती है तो कानून अस्थाई कानून हो जाएगा, जब तक कि संसद स्वयं दूसरा कानून बना के उसे खारिज न करे। अगर उसे खारिज करना है तो संसद को उसको खारिज करने के लिए एक दूसरा कानून बनाना पड़ेगा, एक दूसरा एक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन ये स्वतः समाप्त हो जाएगा इस अवधि के उपरांत 7.5 माह पर, यह खुद खत्म हो जाएगा। अगर इसका हमको ओरिजिनल पोजीशन प्राप्त हो जाए खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं बता रहा हूं ये अधिकतम अवधि है, अधिकतम कितने समय तक, इसके पहले कभी खत्म किया था पार्लियामेंट सेशन में आ जाए। दूसरी बात इसके बारे में कही है, जैसे मान लीजिए कि पार्लियामेंट सेशन में आई, वो नया कानून नहीं बनाना चाह रही है, तो इसी अध्यादेश को अप्रूव कर दे, इसी अध्यादेश को अनुमोदित कर दे, मतलब है कि दोनों सदन बारी बारी से अपेक्षित बहुमत से इसको पारित कर दे, और राष्ट्रपति अपनी कंसेंट दे दे, राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे, वही अध्यादेश अस्थायी कानून बन जाएगा। वो कानून जो संसद द्वारा बनाए गए कानून की प्रकृति को अख्तियार कर लिया, ये कहा गया है अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के बारे में। यही प्रावधान ब्रिटिश काल में भारत शासन अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय को यही शक्ति दी गई कि जिस समय ब्रिटेन में ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने सेशन में नहीं होगी तो, और उस समय कानून की जरूरत है देश ने व्यवस्था को चलाने के लिए, भारत में ब्रिटिश रूल के दौरान काम कौन बनाता था, हमारे ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाती थी, वहां से काम यहां बन के आता था। ब्रिटिश पार्लियामेंट पर लिमिटेशन था, कब काम बनाएगी, जब अपने सेशन में होगी, अपने सत्र में होगी, सत्र में नहीं काम नहीं बना सकेगी। और यहां पर वायसराय को भारतीय शासन व्यवस्था को चलाने के लिए किसी कानून की आवश्यकता महसूस होने लगी, तो इस कानून ने वायसराय को यह शक्ति प्रदान की कि ऐसी स्थिति में जब ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून बनाने के लिए सक्षम नहीं है, अर्थात अपने सेशन में नहीं है, तो वायसराय क्या करे, अध्यादेश जारी कर दे। इन दोनों में अंतर सिर्फ इस बात का है, जहां इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा जो ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है उसकी अधिकतम समय कितनी है, वो कितनी है 7.5 माह, इनकी अधिकतम अवधि कितनी थी केवल 6 माह, केवल 6 माह 6 मंथ, बाकी दोनों की स्थिति बाकी सेम थी, वो दोनों में कोई अंतर नहीं। इसके बारे में बात थी कि अगर वायसराय ने कोई आदेश जारी किया है और इसी बीच ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने सेशन में आ जाए, इसी को अनुमोदित कर दे, तो यही आर्डिनेंस क्या होगा, यही अध्यादेश क्या होगा, परमानेंट कानून हो जाएगा। यह प्रावधान कहां से लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1961। बात नहीं, इसमें दो बातें क्लियर करूंगी आपकी, एक तो ये ऑर्डिनेंस किस एक्ट द्वारा लाया गया, ये ऑर्डिनेंस किस देश से लाया गया, और ये ऑर्डिनेंस वर्तमान संविधान में किस तरह से भारतीय संविधान में दिया गया है, कहां पर दिया गया है, किस अनुच्छेद में दिया गया है, और ये किसकी पावर है, किसकी पावर है, प्रेसिडेंट की पावर है। ये सारे प्रावधान किए गए थे भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। ठीक, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत में पहली बार विधायी मशीनरी, लेजिस्लेटिव मशीन का प्रावधान किस एक्ट के द्वारा किया गया, पहली बार विधायी मशीनरी, ये सवाल सीधे सवाल पूछा गया, आप प्री का क्वेश्चन बैंक उठाएंगे सवाल मिलेगा आपको, या पोर्टफोलियो सिस्टम, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ये सीधे सीधे सवाल है। वो सवाल कैसे हैं, इन्हें आसान सवाल कहा जाता है, ये गलत करेंगे तो आप प्रतियोगिता में नहीं होंगे, आप फेल होने की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए वो सवाल तो आपको सही करने जो सब सही कर रहे हैं।
और उन्हीं के बीच आपको अठहत्तर सवाल भी सही करने हैं तो आप प्रतियोगिता क्या होंगे आगे होते हैं, मतलब प्री कम से कम पास कर लेंगे, मेंस पास करने के लिए थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। एक विधायी मशीनरी किसके द्वारा, चार्टर एक्ट 1853, कल मैंने बताया था उसको आपके बारे में, किसके बारे में मैंने बताया था कि पहली बार वायसराय था नहीं, वायसराय 58 में आया, उसके पहले क्या था, गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के कार्यों को दो भागों में बांटा गया, क्या क्या बनाया गया, एक तो नहीं भाई एक तो कौन सा एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका संबंधी का प्रशासनिक का और दूसरा विधायी का, मतलब इस कानून के पहले इसका मतलब यह था कि विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य ये दोनों कार्य सेम पर्सन करते थे, सेम व्यक्ति करते थे, पहली बार किया गया कि गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में, मैंने कल चर्चा किया था कि 6 नए पार्षद जोड़े गए, 6 नए पार्षद जोड़े गए, इन्हें क्या कहा गया, इन्हीं को विधान पार्षद कहा गया, या सरल शब्दों में इसको अगर हम कहें कि गवर्नर जनरल के लिए एक केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया, एक केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया, किस लिए, कानून बनाने, इसीलिए कहा जाता है कि भारत में पहली बार एक विधायी मशीनरी, एक ऐसी मशीन जो देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कानूनों का निर्माण करे और उन कानूनों को एग्जीक्यूट करने के लिए, उन कानूनों को लागू करने के लिए क्या होगी, कार्यपालिका, एक प्रशासनिक निकाय। सवाल आपसे इस रूप में पूछा जाता है कि वो कौन सा एक्ट या चार्टर है जिसके माध्यम से भारत में संसद तथा कार्यपालिका का जन्म हुआ, यही तो कार्यपालिका क्या मतलब, जो लागू करे कानून को, विधायिका क्या मतलब, जो कानून को बनाए, तो चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था 61 के द्वारा, अध्यादेश 61 के द्वारा, पहली बार विधायी प्रक्रिया में भारतीयों को शुरू किया गया 61 के द्वारा, यह प्रावधान किया गया था।